आज स्कूल पे जब मैं यहाँ से आ रहा था, गाड़ी जब आ रही थी, मैंने सोचा कि कहीं उधर होगी स्कूल, और मैं स्कूल की तरफ देखने लगा। मैंने सोचा कि कोई पता नहीं कोई प्राइवेट स्कूल, कोई बड़ी कंपनी ने कोई बड़ी अच्छी सुंदर स्कूल खोली है गांव के बीच में, मंगलवार जैसी जगह के अंदर, जो बहुत इंटीरियर का इलाका है। लेकिन जब गाड़ी इस दरवाजे पर रुकी तो मुझे एक बहुत बड़ी एक खुशी हुई और आश्चर्य हुआ कि सरकारी स्कूल भी इस तरह की स्कूल हो सकती है। और उसके लिए मैं मंगलवार के सभी हमारे गांव वालों को, यहाँ के सभी हमारे हेडमास्टर साहब, टीचर, साथ साथ सर्व शिक्षा अभियान के नवल सिंह जी को, उनकी पूरी जो एसएससी की जो पूरी टीम है, उनको जिनने ये पूरा डिजाइन कराया है, बनाया है, इंजीनियर, मिस्त्री, बेलदार, जो भी इसमें से ऊपर से नीचे जिसने भी इसके अंदर काम किया है, उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और एक तो आपकी पुरानी स्कूल थी जिसके अंदर छोटे छोटे कमरे, फर्श पूरी टूटी हुई, छत मालूम नहीं कि कब बारिश के अंदर कब गिर जाए, पढ़ने के लिए बाहर आना पड़ता था क्योंकि अंदर लाइट नहीं होती थी। और आज ये एक शानदार स्कूल है। और मैं तो, मेरी आज जब मैं अभी स्कूल देख रहा था तो मैं भी एक ठीक ठाक सी स्कूल मसूरी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर पढ़ाई करी, लेकिन आज उसकी तुलना करूं मैं तो ये कमरे और इस तरह के जो डिजाइन है इसका, इस तरह का ये मोटिवेशन जो उनको होता है उससे भी कहीं बढ़िया है। ये बहुत बड़ी बात है। स्कूल में आते ही एक जो विद्यार्थी होता है, एक जो बच्चा होता है जो स्कूल में पढ़ता है, उसको एक स्वाभिमान होना चाहिए अपने स्कूल के लिए। जब आप इस दरवाजे से अंदर घुसोगे और आप देखोगे कि अलग अलग रंग की बिल्डिंग बन रही है, सब अलग अलग प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों की फोटो लग रही है, अलग अलग देश के लिए, देशभक्ति के लिए इस देश में अलग अलग क्या संस्कृतियां हैं, क्या चित्र, हर चित्र जो बना हुआ है, हर चीज जो लिखी हुई है, उसका कोई ना कोई मतलब है। इसलिए आप स्कूल के अंदर आते हो तो आपको एक एक, एक लगता है आपको कि कोई एक बहुत अच्छी जगह, कोई मंदिर में, स्कूल और मंदिर में कोई फर्क नहीं होता। तो इस तरह की जो स्कूलें होती है उसके अंदर पढ़ने का, लिखने का एक अलग ही उसका एक मजा आता है। और ये टीचर जो हमारे विराज में है, मेरे गुरुजन विराजमान है, उनको भी लगता होगा कि इस तरह के एक वातावरण के अंदर, अच्छे वातावरण के अंदर, जहां रंग बिरंगा वातावरण हो, लाइट आई हो, अच्छी एक जगह हो, उसके अंदर पढ़ाने का भी उनको ज्यादा अच्छा मन करता है। तो मैं यही आप सबों से निवेदन ये करना चाहूंगा और की मुबारकबाद देना चाहूंगा, और उम्मीद करता हूं कि ऐसी सारी अपनी जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं इस तरह की हमारी सारी स्कूलें हो जाए, क्योंकि ज्यादा उसमें कोई खर्चा नहीं आता है। एक उसका एक अच्छा नया एक रंग का स्कीम हो जाए, उस पर कुछ लिखने की चीजें, जो आप इस देश के लिए हमें आगे क्या हमारी चैलेंजेस हैं उसके बारे में चित्र है, लिखने का है, अलग अलग कलर हो जाता है उसका, तो एक वातावरण बन जाता है स्कूल में पढ़ने के लिए। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और खासतौर से मंगलवार जैसी जगह, कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि मंगलवार जैसी जगह, मंगलवार को आपको वहां जाके बोलो कहाँ है मंगलवार, किसी को मालूम ही नहीं कहाँ होगा मंगलवार, और कोई आ भी जाए तो वो ढूंढ भी नहीं पाएगा कहाँ है मंगलवार। बिल्कुल पहाड़ के नीचे ऐसे इलाकों के अंदर जहाँ कोई नहीं आता है जाता है, वहाँ एक स्कूल इस तरह बनी है, बहुत खुशी की बात है। आखिर में